चलिए सबसे पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं, लाइक लाइव रियल टाइम यूजर्स अभी इस पे कितने चल रहे हैं। 305 चल रहे हैं। रुको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। रिफ्रेश करके मैं आपको दिखाना चाहता हूँ भाई, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए ना चीज़ें भाई। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। देखो मैंने पूरा यहाँ पे पॉइंटर्स मैंने लिख रखा है। हालांकि ये जो यूट्यूब ने ये हमें दिया था पैड कि इस पे आप कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे हमने सारे पॉइंटर्स लिख रखे हैं। तो देखिए आपके सामने दिख रहा है लास्ट 30 मिनट में 296 यूजर्स है। आज थोड़ा कम दिखा रहा है, कल अराउंड 600-700 चल रहा था, तो ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो अभी हम चलो चलते हैं, अब हम अपने ब्लॉग के डैशबोर्ड पे चलते हैं। एक बार मैं डैशबोर्ड को रिफ्रेश कर लेता हूँ। साइट किट पे आते हैं गाइस, यहाँ पर आपको दिखाएंगे लास्ट 28 डेज में जो हमारा ऑल यूजर्स जो हमारे साइट पे आए हैं, इतना 182,000 यूजर्स आए हैं। अब जरूरी नहीं कि जितने यूजर्स आए पेज भी आपके उतने हैं, इससे ज़्यादा ही पेज भी होता है, क्योंकि एक यूज़र कभी कभी 2-3-4 पेजेस देखता है। और अगर हम लास्ट 90 डेज यानी कि हमने इसको शुरू किया था लगभग 3 महीना पहले, 100 दिन पहले हमने शुरू किया था, आप देखोगे यहाँ पे कुछ भी ट्रैफिक नहीं आ रहा था 4-5 जुलाई में अगर देखोगे आप। फिर यहाँ पर जुलाई 26 जुलाई के बाद इसका थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ था, फिर डाउन हुआ, फिर बढ़ा, फिर डाउन हुआ, फिर बढ़ा, फिर एकदम से स्पाइक आया, फिर डाउन हुआ, फिर स्पाइक आया। लेकिन अगर आप देख रहे हो अप डाउन हो रहा है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ही जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एक लाइन खींचोगे तो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है, क्योंकि अगर लास्ट 7 डेज का ट्रैफिक, अरे ससुर के नाती इक्का हो गए लोग, रिफ्रेश कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो लास्ट 7 डेज का हम देखते हैं, यहाँ पर लास्ट 7 डेज में देखोगे 82 और लास्ट 28 डेज में अगर देखोगे तो 182। मतलब सिर्फ लास्ट 7 डेज में लगभग आधा ट्रैफिक आया है, मतलब ट्रैफिक बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रैफिक बढ़ रहा है। लास्ट 14 डेज का अगर हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 117,000। तो मोटा मोटी अगर एक महीने का देखें तो लगभग 2 लाख यूजर्स हमारे इस पे आए हैं, और आराम से 3-4 लाख का पेज व्यू तो हुआ ही होगा।